सोलन सब्जी मंडी जहां एक और टमाटर के लिए काफी प्रसिद्ध है, वहीं ये मंडी सेब के कारोबार में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी है। इस मंडी में सेब के खरीदार देश के कोने कोने से आते हैं, जिसके चलते हर वर्ष करोड़ों के सेब इस मंडी के माध्यम से बिकते हैं। इस बार भी सेब का अच्छा कारोबार होगा, ये उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार सेब की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जिसके चलते उनकी फसल अच्छी कीमत पर बिकेगी, ये बागवान उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एपीएमसी भी सेब सीजन के लिए तैयार है। बागवानों और आढ़तियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप ने बताया कि कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे के दिशा निर्देशों पर योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत एक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें जो अन्य राज्यों से सोलन और परमाणु की मंडियों में खरीदार पहुंचते थे, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। साथ में जो लोग यहां मजदूरी करते थे, उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इन सभी सूचियों को प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि जब सेब का कारोबार हो तो उन्हें यहां आने और खरीदारी करने में कोई दिक्कत ना हो और ना ही मजदूरों की किल्लत का सामना उन्हें करना पड़े। उन्होंने कहा कि सोलन की सब्जी मंडी में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सोलन से सेब को अन्य मंडियों में भी पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है। पल के लिए हमारे प्रदेश स्तर पर जो मार्केटिंग बोर्ड के हमारे किसान की कृषि मंत्री है आदरणीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी, और हमारे प्रदेश के मार्केटिंग बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं बलदेव भंडारी जी, और हमारे प्रशासन की तरफ से जो हमारे MD हैं और हमारे APMC के सचिव हैं, उनके माध्यम से, और हमने जो है अपने सोलन, जब जहाँ तक मैं सोलन APMC का अध्यक्ष होने के नाते, शिमला में भी, सोलन में भी, और पूरे प्रदेश के अंदर एक सेब के लिए जो एक योजना बनाई जा रही है, और हमारे सोलन जिले में भी जो है हमारी दो मंडियों में जो है सेब का काम होता है, परमाणु और सोलन में, उसके लिए हमने जो है अपने जो हमारे सेब का कारोबार करते हैं उन आढ़तियों से, उनके जो जो जिनको वो अपना सेब बेचते और यहाँ आकर जो सेब का काम करते थे, उनकी हमने लिस्टें बना दी है, और लेबर की भी हमने लिस्टें बना दी गई है, और वो हमने वो अपने माध्यम से APMC के माध्यम से मार्केटिंग बोर्ड हिमाचल प्रदेश को दे दी गई है, और वहाँ से वो सरकार को जाएगी उनके लाने की व्यवस्था, और यहाँ पर जो है मेरे सेब का जो अच्छा दाम मिले और हमारे सेब की फसल को जो है यहाँ से विभिन्न मंडियों में जो है वो पहुँचाया जाएगा, इसके लिए जो है योजना बनाई जा रही है, और उसमें हमें ठाकुर जयराम जी का जैसा भी मार्गदर्शन होगा, और हम उस दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं।